वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो हर एक व्यक्ति के लिए करना ज़रूरी होता है, चाहे वो घर पे रहे या ऑफिस में रहे या सिटी में हो, गांव का हो। अगर वो ये एक ऐसा काम कर लेता है तो उसको थोड़ा सा राहत मिलता है, वो टेंशन फ्री हो जाता है। इसे कहते हैं बजट। बजट एक हर इंसान की लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे कि आपकी सैलरी 10,000 है पर मंथ, और उसको 10,000 में पूरा मैनेज करना है, और 10,000 का एंड होते होते क्या होता है कि महीना का एंड होते होते पैसा ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा तंगी होती है, लड़ाई तक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे एक माध्यम की मैं बात करूँगा जिसे करने के बाद आप इसी से शायद थोड़ा सा आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं बजट। बजट एक ऐसा प्रोसेस होगा, इसको हमने सेलेक्ट किया मेंटेन करना, सेलेक्ट किया हमने, इसका हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे बजट BUDGET। इसको हमने क्लिक किया, इसको हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक अमाउंट है, मुझे एक महीना चलाना है। या इससे स्टूडेंट लाइफ में होता है ना, स्टूडेंट जो बाहर रहता है पढ़ता है तो घर से एक फिक्स सैलरी मिलती है, मतलब सैलरी नहीं कहेंगे उसको, सॉरी उसको कहेंगे हम एक अमाउंट मिलता है 5,000, 4,000, 6,000। तो उसको एक महीना चलाना होता है, और कहाँ वो एक महीना चल पाता है, वो कब का ख़त्म हो जाता है। तो चलो इसके बाद डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मान लो घर पर किसी की सैलरी है 1,00,000 रुपये, जिसकी सैलरी होती है तो भी प्रॉब्लम होता है, 10,00,000 है तो भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 मान लो घर की सैलरी किसी की भी। अब इनको करना क्या है कि इन पूरा प्लान को मेंटेन करना है कि इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है, इस चीज़ को यहाँ यूज़ करना है। जिनका घर होगा तो ठीक है, अगर वो सिटी में रह रहा है रूम लेकर के, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है मेंटेन करना। अब यहाँ पे पहली बात करेंगे रूम रेंट, क्योंकि फैमिली के साथ होगा तो वहाँ पर कम से कम 4,000 रुपये तो आप ऐसे रख लो, एक नॉर्मल कास्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रूम रेंट के बाद, अगर बच्चे हैं साथ में तो एजुकेशन की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हो, बुक्स वगैरह पे, बुक्स कॉपी वगैरह अगर आपको भी यूज़ करना है तो आप वहाँ पर हर महीने कम से कम आप इसका कॉस्ट आ जाता है 1,600 रुपये कम से कम गिरता है, यह से अधिक आ जाता है 2,000 तक आपके भी ज़रूरत होगी। ट्रैवल चार्ज, आपको कहीं जाना आना होगा घर वगैरह, तो ट्रैवल चार्ज भी लग सकता है, बच्चों को इधर उधर आना जाना, तो वहाँ पर आप रख सकते हो 500 रुपये पर मंथ गिर जाता है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे एक और चीज़, अगर आपको वहाँ पानी मिल रहा है तो ठीक है, वरना आर ओ वाटर भी लगाते हैं तो उन चीज़ को भी मेंटेन करना पड़ता है ना। अगर डॉक्टर मना कर दे कि ये पानी मत पियो तो वैसे भी हमें यूज़ करना पड़ता है आर ओ। ठीक है, हमें यूज़ करें आर ओ, मान लो अगर सॉरी आर ओ, इसको मिटा लेते हैं, और आर ओ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर इक्वल टू कर लो 20 रुपये मिलता है तो मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, महीने कम से कम 6 बोतल तो यूज़ होना ही है। ठीक है, मिनिमम की बात करूँ मैं तो यह आ गया 120 रुपये। अगर मैगजीन वगैरह मंगा रहा हो तो लिख जाए मैगजीन, और अपने मैगजीन में कितना, अगर सिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 130 रुपये खर्च हो जा रहे हैं फिलहाल। अब मैगजीन हो गया, और शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना, घर का राशन यहाँ पे सॉरी इम्पोर्टेंट होगा हमारे पास राशन, घर का राशन जो आ रहा है महीने का कम से कम 26 रुपये से तो कम नहीं आएगा, है ना, अधिक जाएगा, इससे कम तो हो नहीं सकता। राशन हो गया, और अब देखो इस चीज़ को ना यहाँ पे मेंटेन कर लो, इज इक्वल टू करो यहाँ पे सम ब्रैकेट फर्स्ट नंबर और इन नंबर जहाँ तक आपको चाहिए, सॉरी हमें यहाँ पर इसका नंबर लेना है, सॉरी इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं।
इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, अगर हमें उनमें से पूरा जरूरत पड़ेगा कुछ ऐड करने के लिए यहाँ पर तुम ऐड भी कर सकते हैं। इंटर करेंगे, देखो हमने यूज़ कर लिया 9,350 रुपये, ये पूरा हम यूज़ कर पा रहे हैं। और राशन तो हो गया, प्लस ट्रैवल चार्ज, मेडिसिन वगैरह तो होगा ना, इम्पोर्टेंट, हर घर की, हर घर का यही दस्तूर है मेडिसिन, तो मेडिसिन कोई बचा नहीं से, तो हम ले गया मेडिसिन। और मान लो एक छोटा सा कास्ट, अगर चोट वोट वगैरह लग जाता है, जुकाम बुखार तमाम चीज़ें, नॉर्मल कास्ट पे 300-500 रुपये इसको रख सकते हो, ठीक है। मेडिसिन हो गया, और भी चीज़ें आप ज़रूरत समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कितना है, 9,850 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, ट्रैवल हो गया, और हो गया मैगजीन, हो गया राशन, हो गया मेडिसिन, हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, अगर मार्केट जाते हो बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं खाना, ठीक है, तो उनका भी मन होगा ना, तो वहाँ पे तो पॉकेट खर्च देना पड़ेगा बच्चों को, या आप खुद जाते हो तो कितने मेहनत करोगे वो आप समझ सकते हो। तो एक्स्ट्रा खर्च में मान लो 1,000 रुपये आ जाता है। अब आपके पास एक प्रेशर हो गया जी, देख लो यहाँ पे आपका बजट था 10,000 का और आपने 850 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, तो अभी नेक्स्ट मंथ से क्या होगा, आपके लिए प्रेशर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को मैनेज करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ये प्रेशर न रहे, क्या मैं इसको मैनेज कर पाऊँगा, बिल्कुल। इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो डेटा मेनू है, क्लिक करो, और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है व्हाट इफ़ एनालिसिस, क्लिक करो सिनेरियो मैनेजर, और यहाँ पे लिखो, क्लिक करो ऐड, लिख दो माई एक्सपेंसेस, हमने माई एक्सपेंसेस, और यहाँ पे डेट वगैरह होगा, अपना नाम लिख दो, ओके करो, ओके। अब आपको यहाँ पे पूरा ब्लॉग दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे 4,000 रुपये रूम रेंट है। अब आप कहाँ पे मैनेज कर सकते हो बहुत सोचो, रूम रेंट आप ढूंढ सकते हो, थोड़ा कम किराए वाला हो, मिल जाएगा, ढूंढने पे तो क्या नहीं मिलता है। अगर ट्रैवल चार्ज की बात हो रही थी, यहाँ पर ट्रैवल चार्ज में कुछ कंसेशन कर सकते हो, भैया घर वगैरह नहीं जाना है, कम जाना है, और थोड़ा इसमें मैनेज कर सकते हो आप, अधिकतम मैनेज करना हो तो आप 200 रुपये मैनेज कर लो। यहाँ पे आर ओ वाटर की बात हुई तो आर ओ वाटर में तो कंसेशन हो नहीं सकता। मैगजीन के बारे में बात हो रही तो मैगजीन तो मंगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे राशन हो रहा है तो राशन में कुछ 200 रुपये कम कर सकते हो, और इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये 2600 था, 2600 की 24 कर लो, जो एक्स्ट्रा वाला जो खर्च है ना वो थोड़ा कम कर सकते हो। मेडिसिन है तो मेडिसिन में खर्च हो ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्च में हम कुछ पैसे कम कर सकते हैं, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इसको ज़्यादा नहीं तो 400 रुपये महीने कर सकते हैं एक्स्ट्रा खर्च में। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कुछ कंसेशन किया, और रूम को भी आप ढूंढ सकते हो कि जहाँ पर आर ओ वाटर पानी अच्छा मिल जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हम यहाँ पे मतलब ये कहने का, सिनेरियो मैनेजर का ये जो ब्लॉग दिख रहा है, यहाँ पे आप जा करके ओके कर लेना, चेंज करके वैल्यू ओके करो, समरी पे आप क्लिक करो, और यहाँ पे बाहर कहीं क्लिक कर लेना, ओके करो, आपको यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो गया। इज इक्वल टू करो, और आप करो सम ब्रैकेट और फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इज इक्वल टू यहाँ पे सम, और यहाँ से फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इंटर। तो आप देख सकते हो ये लिखा है माय एक्सपेंसेस जो अपने ब्लॉग में बनाया था, इज इक्वल टू और पहले वाला अमाउंट माइनस जो हमने चेंज किया। आप देखो आप टोटल 1,000 रुपये का बचत कर पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आपको पूरा हेल्प करेगा आपके काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, इज इक्वल टू किया ये वाला लिया अमाउंट, और माइनस किया ये वाला अमाउंट लिया, ठीक है। यहाँ पे आप 850 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर पा रहे थे, अब आप किस हिसाब से खर्च करोगे, इस हिसाब से जो सिनेरियो मैनेजर दिख रहा है यहाँ पर। सिनेरियो मैनेजर में आप 1,000 की सेविंग करोगे, यानी 9,850 रुपये हर महीने खर्च करोगे,
जिसमें से कितना बचा हो गया इज इक्वल टू करो लिखो 1000 फिर 10000 माइनस इसको, तो 1050 रुपये का आपका सेविंग भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं अपने घर का बजट, कंपनी का बजट, काम करने का बजट, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ये रहा वीडियो का एंड। और आप सैलरी चार्ट देखना चाहते हैं, मानो कैसे सैलरी चार्ट बनाते हैं, अटेंडेंस कैसे बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।